हेलो फ्रेंड्स, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास एक्सेस आई और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम है फ्यूल मीटर का। दोस्तों जो फ्यूल मीटर है वो अच्छे से वर्क नहीं करता, मतलब इस गाड़ी के अंदर तो दिखाता ही नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आपकी गाड़ी के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम है, दिखाता हो और रीडिंग गलत दिखाता हो, उसके अलावा दोस्तों मतलब पेट्रोल आता हो और रीडिंग फुल दिखाता हो, उसके अलावा दोस्तों गाड़ी का मीटर बंद है, तो कैसे चेक करेंगे, कैसे सही करेंगे कि रिपेयरेबल है या नहीं रिपेयरेबल, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये है एक्सेस और अभी इसका दोस्तों मैंने जो फ्यूल मीटर है वहाँ तक मैंने पूरा जितना भी पार्ट्स खुलना था, मतलब ये डिक्की, उसके बाद दोस्तों जो टंकी के ऊपर जो पैनल रहता है वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों एक्सेस के लिए, लेकिन ये हर कोई गाड़ी मतलब जो होती है FI के अलावा दोस्तों, फ्यूल इंजेक्शन के अलावा जो दोस्तों कॉमन गाड़ी रहती है, उन सारी गाड़ियों के अंदर दोस्तों जो फ्यूल मीटर रहता है हमारा कुछ इस तरह का रहता है, जो कवर रहता है 4 बोल्ट से ज़्यादातर, ठीक है। तो ये एक्सेस का है, लेकिन आपकी गाड़ी मतलब पैशन हो, वो बजाज की हो, मतलब हीरो की, बजाज की, होंडा की हो, जो भी गाड़ी है दोस्तों उन सब में दोस्तों इस तरह का फ्यूल मीटर रहता है। कई गाड़ियों में टंकी के नीचे रहता है, कई गाड़ियों में टंकी के ऊपर रहता है, एक्टिवा और एक्सेस, इन सारी गाड़ियों में दोस्तों टंकी के ऊपर रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल मीटर है और नहीं दिखा रहा तो इसे रिपेयर कैसे करना है, तो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले निकाल दी है, क्योंकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये फ्यूल गेज है हमारा, और फ्यूल गेज का दोस्तों ये सॉकेट है, तो हमें ये सॉकेट रिमूव करना है। तो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे टंकी के अंदर ऑलरेडी पेट्रोल है। तो दोस्तों आपको फ्यूल दिख रहा होगा, ठीक है। मैं जैसे मैं गाड़ी हिलाता हूँ, ठीक है, अंदर फ्यूल मतलब आधा टैंक जितना पेट्रोल है इसके अंदर ऑलरेडी उसके। तो भी दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो फ्यूल इंडिकेटर, मैं चाबी हुआ नहीं है मेरा, ठीक है दोस्तों। तो भी फ्यूल इंडिकेटर जो फ्यूल गेज मतलब मीटर है हमारा, रीडिंग इसका 0 दिखा रहा है, मतलब पेट्रोल अभी ख़त्म है ऐसा दिखा रहा है। तो इसकी दिक्कत क्या होती है दोस्तों, तो दिक्कत यहाँ से होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये सॉकेट निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये सॉकेट निकाल दिया। अभी ये सॉकेट दोस्तों जो वायरिंग है वो हमारे फ्यूल मीटर के अंदर से आता है, उसके अलावा दोस्तों ये वायरिंग है जो वो हमारा आगे जाता है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों हमें, तो ये सॉकेट के अंदर पहले सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, वायर का टुकड़ा, और दोनों जो कॉन्टैक्ट है वो आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो मैं एक वायर का टुकड़ा बना के ज्वाइंट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। मैंने यहाँ पर एक वायर का छोटा सा टुकड़ा लिया और दोनों कॉन्टैक्ट को आपस में ज्वाइन किया। तो दोस्तों अभी जो हमारा फ्यूल मीटर रहता है वो आगे का वो डायरेक्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये फ्यूल अभी फुल दिखा रहा है। मतलब ये क्या किया मैंने, तो दोस्तों ये चेक किया कि ये जो हमारा मीटर है बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर दोनों कॉन्टैक्ट आपस में ज्वाइन करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर जो मीटर रहता है हमारा फुल नहीं दिखाता, तो दिक्कत क्या होती है, तो कई बार क्या होता है कि मीटर के पीछे 3 वायर आते हैं दोस्तों, उनमें से कोई भी एक वायर के अंदर कार्बन जम गया होता है, उसके कारण दोस्तों जो रीडिंग होता है वो नहीं दिखता। और उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम रहता है कि दोस्तों ये जो सॉकेट का वायर है हमारा ये वाला दोस्तों, तो ये सॉकेट का वायर जो होता है वो बीच में से वायर कहीं से भी कट गया होगा, तो उसके थ्रू भी दोस्तों ये मीटर जो होता है हमारा ऊपर नहीं जाता। तो पहले मेक श्योर आपको चेक क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों जो फ्यूल गेज का सॉकेट होता है उसमें 2 वायर ज्वाइन कर लेना है आपस में, और वो गाड़ी को चाबी पॉइंट पे देके, अगर आपकी गाड़ी में बैटरी है तो सीट ठीक है, नहीं हो तो दोस्तों गाड़ी चालू करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब यहाँ से जो मीटर रीडिंग मीटर फ्यूल गेज का मीटर है दोस्तों, वहाँ तक का पूरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। नहीं चले तो मेन क्या करना है वो आपको बता दिया है। अभी दोस्तों करना क्या है, तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर नहीं दिखाता तो हमें ये 4 बोल्ट खोलने हैं, और 4 बोल्ट खोल के हमें फ्यूल गेज जो है हमारा बाहर निकालना है। उससे पहले दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अभी ये गाड़ी में जो जब भी आप खोले ये 4 बोल्ट और इसको बाहर निकाले, उससे पहले दोस्तों आपको
जो फ्यूल गेज रहता है हमारा टंकी के अंदर, उसके वायर किस तरफ है वो चेक कर लेना है, मतलब इस तरफ वायर है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फिट करें तो इसके दोनों वायर इस तरफ रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इस चार बोल्ट खोल देता हूँ और इसको बाहर निकालता हूँ। चार बोल्ट मैंने निकाल लिए 10 नंबर के, अभी इसको मैं हल्के से ऊपर करूँगा, ठीक है, इस तरह से दोस्तों, और आपको हल्के से इसको बाहर निकालना है, ठीक है। थियरी बिल्कुल दोस्तों अपने कार्बिडा जैसी आती है इसके अंदर, जैसे पेट्रोल फुल करेंगे तो दोस्तों ये जो डब्बी रहती है वो ऊपर आती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बाहर निकाल दिया है, अभी आप देख सकते हैं, मतलब मैं इसको सही पोजीशन में कर देता हूँ पहले इस तरह से, तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है। अभी मैं अच्छे से आपको पूरी चीज़ समझा देता हूँ इसके अंदर होता क्या है, ठीक है भाई। ये फ्यूल मीटर है तो हमने इस पोजीशन से निकाला था, ठीक है, बिल्कुल इस पोजीशन से निकाला। उस तरह से देखने जाओगे दोस्तों तो जो हमारा पेट्रोल रहता है वो अभी बिल्कुल खलास है, मतलब पूरा ख़त्म हो गया है। जैसे दोस्तों पेट्रोल भरवाते हैं इसके अंदर, तुरंत ही दोस्तों ये जो ये डब्बी रहती है, ये मतलब इसके अंदर एयर होती है, ये पैक सील होता है, अगर ये लीक हो जाता है तो कभी भी आपका मतलब रीडिंग जो गेज होता है वो दिखाएगा नहीं, लेकिन ये लीक नहीं होता कभी भी, अभी तक दोस्तों इसका प्रॉब्लम नहीं आया है, ठीक है। एक सिंपल सी थियरी है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर दोस्तों इस तरह से लगाएंगे हम, और जैसे पेट्रोल डलवाएंगे दोस्तों ये इस तरह से ऊपर आएगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे फुल हो जाएगा, उसका मतलब ये अभी पेट्रोल यहाँ तक है, जैसे 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 पेट्रोल ख़त्म होगा ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर वायरिंग क्या होती है, तो वायरिंग दोनों तरफ मतलब एक मेन अर्थिंग रहता है, ठीक है, और एक ऑल्टरनेट अर्थिंग रहता है दोस्तों। तो जो ऑल्टरनेट अर्थिंग रहता है वो सीधा हमें जो हमारा मीटर रहता है फ्यूल मीटर उसके अंदर जाता है। ये ऑल्टरनेट अर्थिंग दोस्तों जो हमारा रहता है वो यहाँ से आला हुआ यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से थ्रू ये पूरे जो बॉडी है उसके थ्रू यहाँ से अटैच होके वो जाएगा फ्यूल मीटर में, और ये जो यहाँ पे दोस्तों सील किया हुआ है, मतलब ये बॉडी से टच ना करें, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव कांटेक्ट कोई नहीं रहता, जिसके कारण कभी भी शॉर्ट सर्किट की शॉर्ट सर्किट होता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंपल सी थियरी है। अभी दोस्तों ये मीटर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला दो वायर है तो दो कॉन्टैक्ट हो गए। तो आप इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दो पट्टी दी गई है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो पट्टी दी गई है जो टच करती है दोनों लाइन को, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। पुराने जो दोस्तों प्योर गेजर रहते थे उसमें कॉपर वायरिंग की गई होती थी, तो पूरा रिवाइंड किया गया होता था वायर को, तो जिसके थ्रू दोस्तों जैसे ये अप डाउन रहता इस तरह से तो कॉपर वायर को टच करता, ठीक वैसा है दोस्तों यहाँ पे सर्किट दी गई है, लेकिन सर्किट के अंदर इस तरह के पार्टीशन दिए गए हैं कि यहाँ पे दो जो दी गई है पॉइंट वो दोनों लाइन को टच करते हैं, मगर दोनों में से दोस्तों एक भी ऊपर होगा तो दोनों में से एक भी दोस्तों ऊपर होगा तो मतलब वो टच नहीं करेगा ये लाइन को, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके थ्रू जो दोस्तों मीटर रहता है वो हमारा बंद बोलता है। अभी बात आती है दोस्तों जो हमारा फ्यूल भरवाए और लेकिन आपका गेज मीटर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन गेज अच्छे से नहीं दिखा रहा, तो दोस्तों कई बार क्या होता है, एसी गाड़ियों में नहीं होता लेकिन जो बाइक्स रहते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि जो हमारा पेट्रोल की टंकी के अंदर दोस्तों जो सपोज बात करें पैशन प्लस गाड़ी की, तो पैशन प्लस गाड़ी में क्या होता है कई बार पेट्रोल भरवाते तो जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो जो पेट्रोल पंप की नोजल रहती है पंप की वो अंदर डालते हैं पेट्रोल भरने के लिए, तब इस फ्यूल गेज थोड़ा सा बैंड हो जाता है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ से थोड़ा सा बैंड हो जाता है, उसके थ्रू दोस्तों जो रीडिंग रहता है वो एक्यूरेट नहीं दिखाता और प्लस माइनस रहता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर एक्यूरेट फ्यूल सेटिंग चाहिए तो
इस तरह से जो दोस्तों कंपनी ने बैन दिया है उससे छेड़खानी मत करना कभी भी। तो क्या होता है कई बार पेट्रोल भरवाते वक्त इस तरह से छेड़खानी हो जाती है बाय मिस्टेक, तो आप इसको बैंड करके वो जो कंपनी का सेटिंग होता है वही लाके इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों पट्टी है वो ठीक से टच नहीं कर रही, तो मैं पहले यहाँ पे जो दो पट्टी दी गई है मैंने बोला आपको, ठीक है, उसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ और नीचे करके आपको इस पर लगा के चेक करके दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। फाइनली गाइस, जो फ्यूल मीटर था मैंने बिल्कुल अच्छे से सही कर दिया और अभी आपको जो लाइनिंग में बात कर रहा था वो अच्छे से दिख रही होगी यहाँ पे। ओके, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे लाइनिंग पे टच कर दिए। मैं दूसरी तरफ से हो सके तो दिखा देता हूँ आपको, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ओके गाइस, चेक कर सकते हैं आप, दो पट्टी दी गई हुए जो नीचे टच करती हमारी प्लेट को, ठीक है, ये दोनों पट्टी यहाँ पे। तो गाइस अभी मैंने नीचे कर दिया है, अभी मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे सॉकेट लगा देता हूँ पहले। तो गाइस, तो ये सॉकेट लगा दिया है, अभी जो हमारा फ्यूल गेज है वो बिल्कुल मतलब जैसे पेट्रोल ख़त्म होगा उसी पोजीशन में, क्योंकि ये जैसे ऊपर आएगा उस हिसाब से दोस्तों जो पेट्रोल का मीटर है हमारा ये रीडिंग बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाबी ऑन कर देता हूँ, चाबी ऑन कर दी है मैंने, अभी तक कोई हलचल नहीं है। अभी दोस्तों मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इसको छोड़ देता हूँ, फुल पे कर देता हूँ, छोड़ो। तो गाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हो चुका है, अभी धीरे 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 इसका रीडिंग बढ़ रहा है। ठीक है, ये अभी मैंने फुल पोजीशन पे किया है, मतलब टंकी हमारी पेट्रोल से फुल भरी हुई है तब ये रीडिंग फुल बताना चाहिए, उस हिसाब से ये चल रहा है। अभी जैसे गाइस मैं इसको डाउन करता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से ये नीचे आएगा। ठीक है गाइस, अभी नीचे आना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसको नीचे कर दिया है, ठीक है ना। मेक श्योर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा दोस्तों। अभी मैं इसको वापस से टंकी में लगा देता हूँ, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कमेंट में हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिले तभी मैं देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहले इसको फिट कर देते वापस से और फिर आपको यहाँ पे मीटर पे चेक करवाता हूँ। अभी दोस्तों ये रीडिंग नीचे नहीं आया है, हल्के से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको वापस से फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, जैसे खुला था वैसे ही हमें ठीक वैसे फिटिंग करना है। तो फाइनल गाइस ये फिटिंग हो चुका है उसकी जगह पे, ठीक मैंने जैसे समझाया था आपको, ये वायर इस तरफ आते तो आपको ध्यान में रखना है। तो फिटिंग कर दिया, अभी यहाँ पे दोस्तों ये सॉकेट में वापस लगाता हूँ और चाबी भी बंद है। ओके गाइस, तो ये लगा दिया सॉकेट और अभी देख सकते हैं मतलब जो हमारा फ्यूल मीटर है वो बिल्कुल अभी यहाँ पे है। तो गाइस मैं यहाँ पे इससे चाबी ऑन करता हूँ। ओके, अभी आप ध्यान से देखें, ठीक है गाइस, तो ये फ्यूल गेज है वो मतलब अच्छे से वर्क होने लगा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी मैं चाबी बंद कर देता हूँ। मतलब इन शॉर्ट दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होगी दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।